पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पेपर 1.1 एंड पेपर 1.2 यही ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा। आपके दो पेपर की ऑप्शन होती है ये, दैट इज वाई दो पेपर लिखे होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो ऐसे ही लिखा होता है। पैडागोजी ऑफ कॉमर्स टोटल मार्क्स हैं 50-40 एक्सटर्नल जिस थ्योरी के हैं, तो 10 मार्क्स आपके इंटरनल प्रैक्टिकल के होंगे। ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो कंटेंट आगे हमने पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी नॉलेज गेन करना, और कोई शब्द नहीं होता, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन दिया है, मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स, तो ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, कभी नेचर भी, स्कोप भी, और कभी इकट्ठा भी, ये चार चार मार्क्स का भी ऐसे पूछ लेते हैं, चार चार बन के 8 बन गया है ना। तो कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स नंबर 1 विद इकोनॉमिक्स, विद मैथ्स, विद सोशल साइंस, विद ज्योग्राफी। वैसे दूसरी यूनिवर्सिटी में भी यही सिलेबस है, ऐसे ही कोरिलेशन पूछे जाते हैं। मैंने अपनी बुक में जो है वो 1 का ये पकड़ के ना, इसको पकड़ के इसके पॉइंट्स काफ़ी बनाए हुए हैं, ऐसे 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 काफ़ी पॉइंट बने हुए हैं। नॉर्मली आपको ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, तो मैथ्स के साथ पॉइंट बने हुए हैं, एग्जाम्पल बनी हुई हैं। तो ये 8 मार्क्स का नॉर्मली क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है। गुरु नानक के पेपर जो देखे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के, उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स, मैथ एंड सोशल साइंस, तीन तीन दो दो ये ऐसे डाल देते हैं। अच्छा, प्लेस ऑफ कॉमर्स इन सेकेंडरी, प्लेस क्या है, इंपॉर्टेंस एक तरह से हो गई है। सेकेंडरी मीन 10th क्लास तक, अब 10th नहीं है, 10+2 हो गई है सेकेंडरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेकेंडरी को 8 से 10+2 तक माना जाता है। प्लेस है, ये एक ही क्वेश्चन बन रहा है 8 मार्क्स का। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ये जैसे फंडामेंटल थ्योरीज लर्निंग की हैं, टीचिंग की है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ना। पियाजे है, ब्रूनर है, वगास्तिकी है ना, थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने आपका पीछा, स्किन्नर, B.F. स्किन्नर, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ना। ऐसे ही ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये बताया गया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव पार्ट है उसके 6 लेवल किए गए हैं। 6 लेवल में ये जो रिमेम्बरिंग है, इंफॉर्मेशन को याद करना और समझना, इसको लोअर लेवल कहते हैं, और ये अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, इसको हायर, HOTS, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल ये बोला जाता है। तो जब आपने लेसन प्लान करना है, आपने ऑब्जेक्टिव इस लेवल के, इस लेवल के, वो लेसन प्लान सबसे अच्छा है जो जितना हाईएस्ट लेवल की टैक्सोनॉमी के इन वर्ड्स पर फोकस करता है। तो इन ऐसे ऑब्जेक्टिव क्रिएशन के, इवेल्युएशन के, एनालिसिस के जो ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नंबर ऑफ एक्शन वर्ब दिए गए हैं, इसको आप सिलेबस में अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो एक्शन वर्ब, फॉर एग्जांपल, रिमेंबर का एक्शन वर्ब जो है एनलिस्ट करना, डिफाइन करना है ना किसी वर्ड को, तो ये थोड़े वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा आप लेवल ऊपर वाले को कवर करोगे उतना लेसन प्लान आपका अच्छा होगा। तो आपने बीएड में क्या सीखना है कि रिमेम्बरिंग लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग लेसन प्लान के कैसे बनाने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वैसा लेसन प्लान होगा। ये मैं ब्रीफ में एक बता देता हूँ आपको, अच्छी बात है ये। ये मान लीजिए हो गए ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये लेसन प्लान हो गया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गई, और ये इवेल्युएशन हो गई। ये तीनों मैच में चलेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव रिमेम्बरिंग का है, रिमेम्बरिंग का है, उसमें आपने कहा है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म डिमांड एंड सप्लाई है ना, तो लेसन प्लान में आप डिमांड को टीच करोगे, कैसे टीच करना है ये डिफरेंट बात है, ऑडियो विजुअल है, डिस्कशन है, एग्जाम्पल देनी है, इंडक्टिव मेथड यूज करना है, डिडक्टिव करना है, टेक्स्ट बुक करना है, कोई भी करना है, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी जिसमें डिमांड एंड सप्लाई आप पढ़ा रहे हो। लास्ट में आप डिमांड एंड सप्लाई क्या वो डिफाइन कर पाते हैं, उस पर आप क्वेश्चन बनाते हो। तो ये लाइन में होता है सब कुछ, डिसाइड कौन कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव
किस लेवल का है। ऐसे ही आप सिक्स्थ लेवल का बनाते हो क्रिएटिंग, है ना। स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन प्लान स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट ए मॉडल एक्सप्लेनिंग डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट इन द सोसाइटी, ऐसा कुछ भी। तो ये टर्म जो है साथ में यूज होगी, क्रिएशन के टर्म्स जो हैं उसके लिए कितने शब्द ब्लूम ने दिए हुए हैं वो आपको लर्न करने, थोड़े से ज़्यादा नहीं, एक दो तीन लर्न करने पड़ेंगे जिससे आप वो ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। और आपके सिलेबस में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। इसके दूसरा जो पैडागोजिकल सब्जेक्ट होगा टीईटी होगा, ब्लूम्स ने पीछा छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है, तो ये हो गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक बात है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए ना, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हो गए और यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल कॉमर्स की होगी। जब ये मैथ्स का होगा सेम क्वेश्चन होगा, यहाँ वहाँ एग्जाम्पल मैथ्स की हो जाएगी। अगर ये सोशल साइंस का है सोशल साइंस की हो जाएगी। ये स्टेटमेंट सभी पैडागोजिकल सब्जेक्ट में लिखी होगी। ये देखो नेक्स्ट क्या है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ईजी करके बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शन। दूसरा यहाँ पर होता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बनाते हैं तो वो टीचिंग या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शन जो फॉरम में यूज किया जाता है वर्ड हमारे टीचिंग किया जाता है। और बिहेवियरल जो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए, है ना। बस पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क पड़ता है, लगभग कंटेंट वही रहता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्योंकि आप टीचर्स हो आपके लिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इन बिहेवियरल टर्म्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहेवियरल टर्म जो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स विल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन, है ना, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, विल एबल टू एनलिस्ट द व्हाटएवर, कोई भी सूची प्रदान करना है। तो ये जो वर्ड है ये आप बिहेवियर में देख सकते हो कि बच्चा क्या सच में डिफाइन कर पाया। जब लास्ट में इवैल्यूएशन का आपने क्वेश्चन पूछा, क्या वो डिफरेंस कर पाया, आपने कहा कि दो एग्जांपल्स दो, विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एग्जांपल्स या टू एग्जांपल्स या थ्री एग्जांपल, क्या उसने जब पूछा कि दो डिमांड एंड सप्लाई की लेटेस्ट दो एग्जाम्पल दो, वो दे पाया। तो ये बिहेवियरल टर्म है कि आप उसको ऑब्जर्व उसके बिहेवियर में कर पाते हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रहेगा। ये आपके टेक्नोलॉजी के पेपर में भी होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी होगा। मेथड्स एंड टेक्निक्स सेकंड यूनिट है, मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। देखिए ये ट्रेडिशनल मेथड है, वैसे डेमोस्ट्रेशन भी ट्रेडिशनल है, लेकिन डेमोस्ट्रेशन को बाद में वो फिल्म नहीं आई थी कौन सी थी यार, आमिर खान की, डेमो दूं क्या, है ना, बार बार डायलॉग बोलते हैं, थ्री इडियट्स डेमो दूं क्या। डेमोस्ट्रेशन में आप मॉडल हो, आप आइडियल अच्छा बिहेवियर शो करते हो, बेशक वो अच्छा बोलना हो, बेशक लेबॉर्ट्री में आप कुछ कर रहे हो उसकी भी डेमोस्ट्रेशन है, बेशक आप क्लासरूम में कुछ कोई बिहेवियर शो कर रहे हो उसकी डेमोस्ट्रेशन है। तो डेमोस्ट्रेशन को के दूसरी तरफ, ये डेमोस्ट्रेशन टीचर कर रहा है, मान लीजिए टीचर का काम है, ये मॉडल हो गया टीचर, है ना, ये बिहेवियर को डेमो कर रहा है, ये डेमो करेंगे और स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व, है ना। तो ये जो है इनको एक तरह से अगर कॉपी करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, अगर जो डेमो किया है उसको रिकॉल करके रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करके खुद डूइंग करते हैं, वही एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं, देन ये कंस्ट्रक्शन की ओर हायर लेवल की ओर चला जाता है। तो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड ट्रेडिशनल में नॉर्मली रखा जाता है। मैं इसलिए बताऊं कि टीईटी में डेमोस्ट्रेशन को कभी इधर और कभी रॉन्ग आंसर में रखा जाता है। डिस्कशन में अब क्या होगा कि एक पीयर डिस्कशन हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन हो जाती है, ये अपने थॉट अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, लॉजिक देते हैं, है ना, तो इनके भी व्यूज चेंज होते हैं, इसके इनके भी व्यूज चेंज होते हैं और इनको एक्टिव रहना पड़ता है दोनों को। अगर ग्रुप है तो ग्रुप को किस रूप में एक्टिव रहना पड़ता है, थिंकिंग के रूप में एक्टिव रहना पड़ता है। दैट इज वाई डिस्कशन टीईटी में कहीं भी आएगा, टीईटी में वो हमेशा ही राइट आंसर हुआ है आज तक, पॉजिटिव आंसर हुआ है। और इंडक्टिव मेथड है
आई से, ये कैसे याद रखता हूँ, आई वॉवल है और आई से ही इंस्टांस 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 मीन एग्जाम्पल भी ठीक है क्योंकि ये भी वॉवल है। एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल टीचर देता है, एग्जाम्पल के बाद एनालिसिस करता है और एनालिसिस के आप नहीं करता ठीक बच्चों से करवाता है। एनालिसिस करने के बाद बच्चे जो हैं जनरल कंक्लूजन बनाते हैं, जी सी लिख दिया। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल से पी से जी की तरफ, इसको पी से जी भी बोला जाता है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल से जो है जनरल कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है प्रोसेस, उसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। बहुत लंबा लेसन इसमें में लिखा है, मेरिट डी मेरिट अपनी बुक में, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की होगी आपको मेरे ख्याल में, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पुरानी बुक आराम से मिल जाएगी, मैं अपने बुक के वो लिंक दे देता हूँ नीचे। डिडक्टिव बिल्कुल इसके उल्ट है, बिल्कुल उल्ट, यहाँ एग्जाम्पल पहले से थी और जनरल कंक्लूजन बाद में था ना, तो यहाँ क्या होगा, जनरल कंक्लूजन पहले होगा बाद में एग्जाम्पल दी जाएगी, ग्रामर हमें ऐसे ही पढ़ाई जाती है। तो दिस इज ये टीईटी में ये ऑलवेज रॉन्ग आंसर होगा और इंडक्टिव मेथड ऑलवेज सही होगा। डिस्कशन एंड इंडक्टिव, इतनी बात लर्न कर लीजिए, दैट इज व्हाई इंडक्टिव को एग्जाम में डिस्कशन को ज्यादा तैयारी करके कीजिए। अच्छा, सर्वे मेथड, सर्वे ऑलवेज ठीक होगा क्योंकि सर्वे में आप डाटा कलेक्ट करते हो, पहले डाटा कलेक्ट किया है ना कि जो इस एरिया में है, मान लीजिए कॉमर्स है आपका, कितने फार्मर्स जो ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह कुछ भी है ना, उनका सर्वे हो सकता है, वो मशीनरी कौन सी यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल कौन सी यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज क्योंकि खुद करते हैं, जब एनालाइज करते हैं तो अपने थिंकिंग यूज़ करनी पड़ती है, एक्टिव हो जाते हैं जो प्याजे कहता है, दैट इज़ वाई सर्वे मैथड को बेटर कहा जाता है। मार्केट स्टडी साथ में ही इससे बिल्कुल रिलेटेड है, प्रोजेक्ट मेथड ये भी बेस्ट मेथड में आता है। कारण क्या है, बच्चा कॉग्निटिवली थिंकिंग में भी एक्टिव है, थिंकिंग में भी, इमोशन में भी, सोशल भी एक्टिव है और फिजिकल भी एक्टिव है, दैट इज व्हाई इसको होल हार्टेड किलपैट्रिक ने ये मेथड दिया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रैग्मेटिज्म का ये मेथड है। तो ये बेस्ट आंसर जेड जो टीईटी में होते हैं, नंबर एक ये मैं बताया मैंने डिस्कशन, दूसरा बताया इंडक्टिव, तीसरा सर्वे एंड चौथा प्रोजेक्ट, दीज आर बेस्ट मेथड, ऑलवेज ठीक होंगे। इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे आपके बीएड की तरह भी। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑलवेज करेक्ट आंसर इन टीईटी, ऑलवेज करेक्ट आंसर इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टॉर्म क्या है, तूफान क्या है, ब्रेन में से क्या आता है, आइडियाज, इट मींस बच्चों को, बच्चों के ब्रेन में से आइडियाज का तूफान लाना, तूफान को रोका जाता है, कोई नहीं रोक सकता है ना, जो भी सामने आता है उसको उड़ा देता है। लेकिन साइकोलॉजी कैसे कहती है कि तो जो आइडियाज का तूफान लाना है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर उसका क्रिटिसिज्म करना है, तो जिनको पॉलिसी पता है वो आइडिया, आप कहते हो आइडिया आने दो, आप उस आइडिया को जज नहीं करते, एवेल्युएट नहीं करते, पर्टिकुलरली उसको नेगेटिव नहीं कहते कि ये आइडिया गलत है, कि एक आइडिया के गलत होने से बाकी के अच्छे आइडिया रुक जाते हैं। दिस इज द सेंट्रल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, आने दो आने दो आने दो, अब इतने विचार आ गए, इतने विचार आ गए, आते 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 हो सकता है बच्चे शरारतें करते करते लास्ट में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट दे दे, तो इनमें से फिर इवेल्युएट करके जो बेटर या बेस्ट जो सोल्यूशन जिनमें से मिलता है उनको चुन लिया जाता है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। और भी टाइप्स हैं है ना, तो ये भी राइट आंसर होता है। असाइनमेंट है, इसका आपको पता है, सिमुलेशन है, असली जैसे एनवायरनमेंट में न, जो असली जैसे एनवायरनमेंट जैसा नकली एनवायरनमेंट बना के उसमें टीचिंग करनी, रोल प्लेइंग, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि आपको उस करैक्टर के इमेजिनेशन, मैं क्लास में अक्सर कहता हूँ चलो अभी रिक्शे वाला बन के दिखाओ, एक जाना सवारी बनो, वार्तालाप करो, तो कई बार कर ही नहीं पढ़ पाते आप, ऑटो वाला बनो आप कुछ ऐसा रोल जो रियल लाइफ में करना है। एक्सकर्शन है, जो एजुकेशनल टूर हैं रियल प्लेस पर लेके जाना, कंस्ट्रक्टिविज्म के है, राइट आंसर होगा ये राइट आंसर होगा है ना, फील्ड ट्रिप है, राइट आंसर होगा। तो ये क्योंकि आप फील्ड ट्रिप में जब जाते हो कॉमर्स में, फॉर एग्जांपल आप एक किसी
मार्केट का, मार्केट में आप जा रहे हो ना, तो मार्केट में गए हो तो रियल देख रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और ऑब्जर्व करके जो थ्योरी बुक्स में आपने कॉमर्स की पढ़ी है उससे इस साथ मैचिंग देखते हो कि कुछ मिल रहा है, कोई प्रिंसिपल पढ़ा था यहाँ मिल रहा है, तो वो इवेल्युएट करते हो। तो वो कॉग्निटिव इवेल्युएशन को ब्लूम की टैक्सोनॉमी का फिफ्थ लेवल बन गया। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड इवेल्युएशन, अब इवेल्युएशन पर जोर होगा। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड कॉमर्स कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस सिंपल है, 8 मार्क्स का। क्लासिफिकेशन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड मटीरियल, ओके। तो इसमें ऑडियो विजुअल एड जिस जो प्रोजेक्ट करती हैं, प्रोजेक्ट मीन जैसे ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, कोई बाहर से लाइट पड़ती है और इमेज यहाँ पर आती है। अब ब्लैक बोर्ड है, चाक बोर्ड है, उस वो नॉन प्रोजेक्टेड में है, ऐसे क्लासिफिकेशन की हुई है ना। ये TET में क्वेश्चन आते हैं, ये ऑप्शन नॉर्मली होते हैं, ये प्रोजेक्टेड है कि नॉन प्रोजेक्टेड है। टेक्निक्स मटीरियल, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटीरियल, क्राइटीरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, टीचिंग मटीरियल, आपने कैसे चुनना है कि कौन सा जो है बेटर है। जैसे मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी ऐसे भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने गूगल पर गया और मैंने गूगल का इमेज दिखाई, तो वहां मैंने मटेरियल को सिलेक्ट किया जो एक्चुअल टैक्सोनॉमी है वो दिखा दूं, है ना। तो ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं क्या रियल चीज यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन उसकी इमेज रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशनल उसको बोलते हैं, मिड वाली, एक सिंबॉलिक होती है, एक रिप्रेजेंटेशनल होती है, एक रियल होती है। हम जब रियल नहीं दिखा पाते, टीचर, अच्छा टीचिंग कोशिश करता है, सेलेक्ट करता है कि उनको इमेज जरूर सेलेक्ट करूं। तो मैंने क्या क्राइटेरिया यूज किया कि ये वर्बलिज्म हो रहा है, वर्बल लैंग्वेज लैंग्वेज आ रही है, तो बंदा बोर हो जाता है, तो मैंने इमेज नॉन वर्बल ले आया, उसमें थोड़ी सी माइंड को सेटिस्फेक्शन। अब यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, जो वीडियो पर इमेज है, बोल रहा है पीछे से, वो अकेला बोल रहा है तो बोल हो गए, वैसे ही कई बार तो मीनिंगलेस मतलब जो इमेज दिखाई जाती है उससे आपके माइंड को संतुष्टि मिलती है, वो वीडियो ज्यादा वायरल हो जाती है। तो ऐसे क्राइटेरियाज हैं, है ना, मेरे ऑब्जेक्टिव से मैच करता हो, ऐसे कई क्राइटेरियाज हैं, वो पढ़ेंगे। बी पार्ट है कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपको CDP TET के फर्स्ट पार्ट के लास्ट पार्ट में क्वेश्चन भी आएंगे, ये सीधा सिलेबस में है। तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या है कि जो सिलेबस आपने टीच किया है, अचीवमेंट क्या होती है, जो आपने टीच किया है, ये पार्ट आपने डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ये आपने टीच किया कंटेंट, टीच करने के बाद जिसको इवेल्युएट करने के लिए जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं उसको अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चंस ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड जिसको आप सब्जेक्टिव बोलते हो, और ये सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें MCQ को बेस्ट क्वेश्चन आंसर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बेस्ट जो हैं वो MCQ माने जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बनाने हैं, अगर आप स्टैंडर्डाइज करना चाहते हो किसी टेस्ट को, फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बनाओगे, है ना। तो वो मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन बनाए हैं, तो 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन नहीं हैं, वो क्वेश्चन जो नॉलेज वाले पर्सन और कम नॉलेज वाले पर्सन में डिफरेंस कर ले, वो बेस्ट क्वेश्चन होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस सिखाया जाता है, तो वो अचीवमेंट टेस्ट होता है, ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है। जो आपको TET में क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते, दैट इज़ वाई बुरे क्वेश्चन जो कम नॉलेज वाले और ज़्यादा नॉलेज वालों में डिफरेंस नहीं करते, वो भी बीच में आते हैं, दैट इज़ वाई लेवल ऑफ टेट UGC नेट लो रह जाता है। ऐसे ही यूनिट टेस्ट हैं, है ना, जो यूनिट बने हुए हैं सिलेबस के, ऐसे कह लो आप। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट आइटम इन कॉमर्स, टेस्ट आइटम, आइटम जहां पर आता है वहां पर क्वेश्चन आपने मान लेना है कि क्वेश्चन की बात कर रही है, तो ये इसमें डरने की बात नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट वो कि जो बच्चे के नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी वीकनेसेस है, लिमिटेशन है, मिसकंसेप्शन है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट लगाया जाता है, बच्चा एरर कहाँ करता है, एरर्स हैं, है ना। जैसे डॉक्टर है वो देखता है वायरस कहाँ है, जहाँ डिजीज कहाँ है, कॉज कहाँ है, उसको डायग्नोस करता है, ऐसे ही टीचर को डायग्नोस करना होता है लर्निंग की गैप्स कहाँ है, लर्निंग के एरर्स कहाँ है, पूरा करेंगे। मेरे पास डायग्राम मैंने खुद बना रखे हैं,
पूरा करेंगे इसको, कंसेप्ट एंड यूजेस, उसके कैसे करने हैं यूज, है ना, रिमीडियल टीचिंग, जो एरर डायग्नोज हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये लगता है कि बच्चे को ये वाले कंसेप्ट वीक हैं, उसी कंसेप्ट को ये तीन जनों को, एक क्लास में तीन जने मिले जिनके ए बी सी कंसेप्ट वीक थे, तो इन तीन जनों की क्लास एक्स्ट्रा लग रही है सिर्फ उन कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो ये कॉमर्स में भी है, सभी पेपर में है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, प्रोग्राम फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड कॉमर्स, रोल ऑफ सेमिनार, ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमिनार क्या है, वन वे प्रोसेस है। वर्कशॉप, वर्कशॉप एंड सेमिनार में यही फ़र्क है, वर्कशॉप डूइंग पर होती है, फिजिकल एक्टिविटी होगी, स्किल डेवलपमेंट जो है वो सेमिनार में नहीं कभी होगी, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप में ही होगी। स्किल में मोटर स्किल्स भी आ जाती हैं, कॉग्निटिव स्किल्स भी आ जाती हैं, थिंकिंग स्किल्स भी आ जाती हैं, तो इसमें डूइंग पार्ट होगा। वहाँ पर जो है क्या, सेमिनार में लिसनिंग है, आप सुन रहे हो, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर में आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने पीपीटी कैसे तैयार करनी है कॉमर्स के टॉपिक को टीच करने के लिए, अच्छी पीपीटी कैसे तैयार की जाती है ना, तो वो पहले डेमोस्ट्रेशन देता है, फिर सभी को कह रहा है चलो अपनी अपनी कंप्यूटर पर बैठ जाओ और पीपीटी बनाओ, आप गलती करते हो, वो एक्सपर्ट आपको बताता है ऐसे इसको करना है, ऐसे इसको करना है, आपने लर्न किया कि पीपीटी कैसे करनी है, ये वर्कशॉप हुई। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक तरह की बड़ी प्रॉब्लम है जो आप खुद उस पर डाटा कलेक्ट करके सोल्यूशन ढूंढ के और उसको सोल्यूशन को अप्लाई करते हो, तो ये इंटर्नशिप इन टीचिंग कॉमर्स, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। इंटर्नशिप है कि आप कोई भी जैसे प्रोफेशन है तो उसको लर्न, पहले थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी के बाद उस थ्योरी का प्रैक्टिकल जो सीखना है रियल लाइफ में जाके, रियल इंडस्ट्री में जाके, रियल आपने स्कूल में जाके जैसे लगनी है, तो ए से लेके जेड तक आपने इन्वॉल्व होना है हर एक्टिविटी में, तो वहाँ उस प्रोसेस को इंटर्नशिप कहते हैं। वहाँ एक मेंटर होता है जो आपको ऑब्जर्व करता है, आपको गाइड करता है, आपकी गलतियाँ बताता है, आपको शाबाश देता है ना, तो वो साथ साथ में ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस है, मल्टी मीडिया इन कॉमर्स, ये टेट का भी पार्ट है। मीडिया जैसे वन मीडिया टेक्स्ट है, दूसरी मीडिया इमेज है, तीसरी वीडियो है, मल्टी अगर एक मीडिया है, यहाँ पर अगर सिर्फ टेक्स्ट है तो ये सिंगल मीडिया है, अगर मैं साथ में मूवी इमेजेस साथ में यूज़ कर रहा हूँ तो ये मल्टीमीडिया बनेगा, है ना। रेडियो वन मीडिया है, सिंगल मीडिया है, यूनिमीडिया है, मल्टीमीडिया नहीं है। तो एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तीनों पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सेशनल वर्क है, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर्टिकल रिलेटेड टू करंट टॉपिक एंड एनालाइज देम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट आइटम ऑन एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको बनाने चाहिए। तो ये सुजेस्टेड रीडिंग्स भी हैं, ये देख सकते हो, लेकिन ये सुजेस्टेड रीडिंग कोई भी कभी क्यों नहीं पढ़ता, ये ऐसा क्यों होता है, नहीं ऐसे कुछ होती हैं ऐसे बुक है ना, तो ये मेरी बुक में इसमें नहीं है, हाँ मेरी बुक नहीं है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है। चलो आपको चाहिए होगी इसका, इसमें है ना नंबर दे दूंगा पब्लिशर और उसका, अगर इवेल्युएशन आपको पता है दो क्वेश्चन आएंगे, दो हर यूनिट में से दो क्वेश्चन आने हैं, दो में से आपको एक करना है, और फिफ्थ यूनिट जो है उसमें फोर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे जो दो दो मार्क्स के होंगे, वो भी एट मार्क्स का बन गया। तो उस पेपर को, पिछले साल के को पेपर को देख लेते हैं साथ में। अभी ये रहा पेपर हमारा, 87 डॉक्यूमेंट्स है, ये पिछले साल 2023 में ही वह भी आया है, फर्स्ट सेमेस्टर है, पेपर 1.1/1.2 ऑप्शन 2 ये लिखा है, वहाँ नहीं था ना, ये सभी पेपर में होगा, पेडागोजी पंजाबी हिंदी इंग्लिश ये लिखा होगा, लेकिन ऑप्शन कौन सी है, ये ऑप्शन 2 है आपकी, पेपर 1 एंड पेपर 2 की ऑप्शन 1 कौन सी है, एग्रीकल्चर है ना, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं की। तो ये कॉमर्स का है, ये ऑल मीडियम में है, 3 घंटे का है, 40 मार्क्स का है, ये बातें हो चुके हैं, क्या करना है ये इंस्ट्रक्शन है वो मैंने ऐसे बता दी हैं, अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉमर्स एस्टेब्लिश इट्स कोरिलेशन विद सोशल साइंस, तो कंसेप्ट एंड सोशल साइंस, सिंपल क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये आपको रिहर्सल कर लेनी चाहिए कि ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं। यूनिट 2 में है, व्हाट डू यू मीन बाय अबाउट इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, हाउ दिस मेथड इज हेल्पफुल इन कॉमर्स, सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स।
राइट अबाउट एनी टू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, है ना, सिंपल. व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? इंस्ट्रक्शनल मीन टीचिंग मटेरियल, जैसे ये भी टीचिंग मटेरियल है, ब्लैक बोर्ड है, मॉडल है, कोई चार्ट है, फ्लैश कार्ड है, रियल मटेरियल है. विच क्राइटेरिया यू विल लाइक टू अडॉप्ट द सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव सिलेक्शन मटेरियल? सेम सिंपल क्वेश्चन. राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन रेमिडियल टीचिंग और इन टीचिंग. डरा रहे हैं, कुछ नहीं, वही करना है, वही पॉइंट लिखने हैं. राइट अबाउट द कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स. 8 marks. बींग कॉमर्स टीचर, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम यू विल लाइक टू अडॉप्ट फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन कॉमर्स टीचिंग? 8 marks. यूनिट 5th, कोरिलेशन बिटवीन कॉमर्स एंड ज्योग्राफी, है ना, ये था ऊपर नहीं मेरे ख्याल में. सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, ये दो डालने की क्या ज़रूरत थी. यूनिट टेस्ट, तो ये नहीं, अच्छे क्वेश्चन नहीं डालने आते. टेलीकास्टिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 4 and 2, है ना, तो हिंदी वर्जन भी है इसका, हिंदी वाले घबराएं ना, वो भी देख लें, ये पंजाबी वाला वर्जन है, ये भी देख लें, ये ऐसे ऐसे देख लो. इसको थोड़ा छोटा कर दूं, लो ये रहा, अब देख लो, हो गया, ये वाला हो गया. दैट इज़ ऑल अबाउट पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स. थैंक यू.